हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में कई बसों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। हंगामा और तोड़फोड़ के अलावा आगजनी की घटना भी हुई। इस हंगामे का ताल्लुक बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली से होने का दावा किया जा रहा है और बीजेपी का आरोप है कि अमित शाह की रैली में पहुंचने वाले लोगों को डराने के लिए गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। बस पर इतनी बुरी तरह से हमला हुआ कि सामने के शीशे पूरी तरह से टूट गए, सड़क पर कांच के टुकड़े फैल गए। साथ में एक कार भी खड़ी थी जिसके शीशों पर डंडे बरसाए गए। कार की विंडशील्ड पर तोड़फोड़ के बड़े बड़े निशान बन गए। गाड़ी के हर तरफ डंडे बरसाए गए थे। बीजेपी के झंडों वाली एक और बस भी दिखी जिसमें बुरी तरह से तोड़फोड़ की गई थी। बस के अंदर भी कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे। ऐसी कुछ और गाड़ियां भी थीं जिनमें सवार होकर लोग बीजेपी की रैली में पहुंचने वाले थे, लेकिन जगह जगह सड़कों पर ऐसी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। हरे रंग की एक बस ऐसी दिखी जिसमें लोग भी मौजूद थे। बस के शीशे टूट चुके थे, लेकिन गनीमत ये रही कि हमले में कोई जख्मी नहीं हुआ। जिन गाड़ियों पर हमले हुए उनमें कुछ तो ऐसी थीं जिनमें बीजेपी कार्यकर्ता रैली में शामिल होने के बाद लौट रहे थे, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को धमकाने और डराने के लिए यह हमला टीएमसी ने करवाया। हमलावर बाइक पर सवार होकर आए थे जिन्होंने अचानक रैली में जा रही गाड़ियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद जगह जगह हमले का शिकार हुई ऐसी गाड़ियां दिखने लगी जिनमें बीजेपी के झंडे और पोस्टर लगे थे। हमलावरों ने एक मोटरसाइकिल को भी आग के हवाले कर दिया। आगजनी की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच गई। 300 बसेस को इन्होंने तोड़फोड़ किया, बहुत सारे छोटा गाड़ी को तोड़फोड़ किया, एक मकान जला दिया, 4-5 बाइक को अभी तक जलाया। बीजेपी का आरोप यह है कि हमला तृणमूल कांग्रेस ने करवाया और पश्चिम बंगाल पुलिस ने हमलावरों को रोकने की कोशिश भी नहीं की। दुखद बात है, सारे घटना पुलिस का सामने हुआ। अमित शाह की जिस रैली को लेकर विवाद है उसका नाम लोकतंत्र बचाओ रैली रखा गया था।